बीबीसी लाइव देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धार्मिक नगरी रतनपुर में मां महामाया देवी की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज नवरात्रि पर्व के अष्टमी के जिला प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रतनपुर पहुँचे। उन्होंने मां महामाया मंदिर में जाकर देवी माता की पूजा अर्चना की और छत्तीसगढ़ प्रदेश को सुख शांति से धन धान से भरपूर बनाने के लिए माता रानी से प्रार्थना की। उन्होंने नागरिकों को नवरात्रि की बधाई भी दी। इस अवसर पर संसदीय सचिव एवं विधायक श्रीमती रश्मि सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, नगर निगम बिलासपुर के महापौर रामचरण यादव, छत्तीसगढ़ पर्यटन विकास मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, आशीष सिंह ठाकुर, सभायुक्त डॉक्टर संजय अलग, कलेक्टर डॉक्टर शारांत मित्तर, एसपी दीपक कुमार झा व क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। ढेर सारी बधाई, शुभकामना। आज अष्टमी है, सभी जगह हवन का आयोजन और विभिन्न जगह में आज महामाया से रतनपुर महामाया से इसकी शुरुआत मैंने की। फिर क्षेत्र में बहुत सारे जो मंदिर हैं उसके भी आशीर्वाद देने का, प्रदेश की सुख शांति पहले मैंने माता रानी से प्रार्थना की है कि छत्तीसगढ़ में सुख शांति हो, धन धान्य से परिपूर्ण हो और सभी उन्नति और प्रगति करें। सर, ये संकट क्या कर रहे हैं? कोयले के संकट है, लगातार आ रही खबरें, सरकार की क्या तैयारी? ये हमारे सरकार के कोई संकट नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ पावर प्लांट विभिन्न राज्यों में बंद हो रहे हैं और आज कोयला मंत्री छत्तीसगढ़ आए हैं, कोरबा भी जा रहे हैं, तो ये दोनों बयान है विरोधाभासी है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ के सवाल है, छत्तीसगढ़ में हमने यहाँ के ACCL के अधिकारियों से और रेलवे के अधिकारियों से बात की है और यहाँ कोयले के पूर्ति के लिए और ट्रांसपोर्टिंग में किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए, ये मैंने इसको दिया। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।